गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पावर एंड फंक्शंस ऑफ रजिस्ट्रार। फर्स्ट है, एवरी एप्लीकेशन शैल बी मेड टू रजिस्ट्रार। सेक्शन 3 में हमने पढ़ी थी अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट होने के बाद ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर जितनी भी रजिस्ट्रेशन होनी है उन सब की एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के ही पास जानी है और उसके बाद उनके पास पावर है उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट कब करेंगे? सेक्शन 5, सेक्शन 7, 8 की जो कुछ कंडीशंस हैं वो सब फुलफिल हो जाएंगी तो रजिस्ट्रार इनको एक्सेप्ट करेंगे। अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं है, कुछ डाउट है कहीं पे भी, तो उन सब केस में वो एप्लीकेशन रिजेक्ट करने की पावर भी रजिस्ट्रार के पास है। सेकंड पावर है इनकी फर्दर इंफॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन हमने जो एप्लीकेशन मूव की उसके साथ अटैच की, ट्रेड यूनियन का नाम, ऑफिस वीरियड के नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और ट्रेड यूनियन के पास फंड कौन से हैं, हमने अपनी तरफ से सब कुछ डिस्क्लोज किया। लेकिन उसके बाद भी रजिस्ट्रार को लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए जो मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए इनके पास सेक्शन 7 के अंडर पावर है कि वो नोटिस इश्यू करेंगे कि आप ये कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो आप फिर से सबमिट कीजिए। अगर हम लोग उस नोटिस के रिप्लाई में कुछ भी सबमिट नहीं करते या जो सबमिट करते हैं उससे रजिस्ट्रार सेटिस्फाई नहीं है तो उन सब केसेस में रजिस्ट्रार के पास पावर है रिफ्यूज टू रजिस्टर। वो रजिस्टर उसको करेंगे नहीं ट्रेड यूनियन को जब तक कि इस नोटिस की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 7(2) पावर टू अल्टर नेम। ठीक है, हमने प्रपोज किया था ट्रेड यूनियन का एक पर्टिकुलर नेम अपनी चॉइस से किया था, हमें पूरे देश में कौन कौन सी यूनियन बनी है हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसके अंदर जितने भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हैं उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और उस रिकॉर्ड से फिर रजिस्ट्रार ऑफिस मैच करता है कि ये यूनियन किसी और के नाम से तो रजिस्टर्ड नहीं है या किसी और के साथ मैच तो नहीं हो रही है। तो उसमें ये देखते हैं जो हमने प्रपोज की है वो आइडेंटिकल विद अदर यूनियन, किसी और यूनियन के साथ मैच होती हो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में भी, क्योंकि ट्रेड यूनियन की बहुत बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, देश बहुत बड़ा है हमारा, तो कहीं ना कहीं वो अगर किसी से मैच होती है तो उस केस में भी रजिस्ट्रार इनको नेम अल्टर करने का नोटिस इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है फिर इसमें डिसीव द पब्लिक। ठीक है, जनरल पब्लिक को लगना चाहिए कि ये ट्रेड यूनियन वो है, आइडेंटिफाई होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा नाम है, गाड़ियों के नाम है। ठीक है, तो जनरल पब्लिक के माइंड में ये कन्फ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए कि ये ट्रेड यूनियन वो है जो वो सोच रहे हैं, उसके अलावा कोई और नहीं हो। जैसे आप लोगों ने फेसबुक पे भी पढ़ी होंगी, ईमेल पे भी कुछ बोगस आइडियाँ बनती हैं और लोगों को लगता है कि ये आइडिया उस पर्टिकुलर आदमी की है, तो वहाँ पे कुछ ठगी चल रही है आज के टाइम में। तो उसी तरह ताकि जनता के साथ कोई धोखा ना हो तो ट्रेड यूनियन का नाम अपने आप में एक यूनिक होना चाहिए और जिससे किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ पे मिस्टेक या फ्रॉड है उन सब केसेस में भी ट्रेड यूनियन का नाम रजिस्टर नहीं होगा। अगर ये कंडीशन इस तरह है और रजिस्ट्रार ने नेम अल्टर करने के लिए बोल दिया तो नेम अगर अल्टर जब तक हम नहीं करेंगे तो रजिस्ट्रार इनको रजिस्टर नहीं करेंगे। वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि आप ये चेंज करके लेके आइए, तब तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके बाद है फोर्थ नंबर, एविडेंस फॉर ऑथोराइजेशन। ठीक है, हमने पढ़ा कि कोई भी 7 मेंबर ट्रेड यूनियन के एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अब रजिस्ट्रार ऑफिस ये चेक करेगा कि ये जो ऑथोराइजेशन लेटर है ये यूनियन की तरफ से इनको दिया गया है। अगर पूरी यूनियन की कंसेंट इनके साथ नहीं है तो ये ऑथोराइजेशन लेटर क्या होगा, नल एंड वॉइड होएगा। तो उस केस में ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा।
इसलिए जो एविडेंस है अथोराइजेशन का, कुछ अथॉरिटी लेटर बनेगी यूनियन की, कोई मीटिंग हुई हो उसकी मिनट्स हैं, उसके बाद जो उन्होंने एजेंडा पास किया वो सब, वो अथॉरिटी लेटर उस एप्लीकेशन के साथ लगेगा। अगर नहीं होगा तो उन सब केसेस में क्या होगा, ट्रेड यूनियन रजिस्टर नहीं होगी। उसके बाद आता है सेक्शन 8, स्पेसिफिक ड्यूटी ऑफ टू रजिस्टर। सेक्शन 8 इम्पोज करता है रजिस्ट्रार के ऊपर कि उनकी एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है, अगर सारी कंडीशंस पूरी हैं तो आप टेक्निकल ग्राउंड पे इनको रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको वो उसको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 9 में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार इश्यू करेंगे ताकि ये पर्टिकुलर यूनियन ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो चुकी है।